हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है YRS क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 विषय हिंदी में जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो किताब में जो प्रश्न दिए गए हैं, आप लोग पृष्ठ नंबर 24 खोल लीजिएगा। यहां पे देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 24 है। तो आप लोग खोलेंगे किताब तो यहां पे इस तरह से आपको लिखा मिलेगा कि हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न। तो स्टूडेंट, जो प्रश्न परीक्षा में 10 नंबर का बहुविकल्पी टाइप के पूछे जाते हैं वो इसी में से ही पूछे जाते हैं, बस आप लोगों को याद करना है। तो हमने जो है 1 नंबर से लेकर 30 नंबर तक का जितने भी प्रश्न हैं हमने जो है बता दिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जो है जाके वहां पर देख सकते हैं। आज की वीडियो में 31 नंबर से प्रश्न स्टार्ट करता हूँ, आइए शुरू करते हैं। 31 नंबर पर स्टूडेंट, जो किताब में प्रश्न दिया गया है वो है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है कविवचन सुधा, दूसरा है हिंदी प्रदीप, और तीसरा है विशाल भारत, और चौथा है साहित्य संदेश। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर वो है हिंदी प्रदीप, यानी जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, इस तरह से अगर चार ऑप्शन दिया गया है तो आपको बताना है हिंदी प्रदीप, ये वाला जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आ सकता है परीक्षा में। अगला है 32 नंबर पर प्रश्न कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, यानी जो दो ध्रुव स्वामिनी जो रचना है ये कौन सी विधा है, ये बताना है हमें। ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन दिया गया नाटक, तीसरा दिया गया एकांकी, और चौथा दिया गया कहानी। तो स्टूडेंट का सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी नाटक, यानी जो ध्रुव स्वामिनी है वो नाटक है, ये भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये ध्रुव स्वामिनी वाला बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला है कि भारतेंद्र युग के लेखक हैं, यानी जो भारतेंद्र युग है, बहुत सारे युग हैं, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग, छायावाद युग, तो इसमें बता रहा है कि जो भारतेंद्र युग है के लेखक हैं कौन, लेखक हैं, यहाँ चार लेखक दे दिया गया है, इन चारों लेखक में कौन से भारतेंद्र युग के लेखक हैं ये बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन है भारतीय रघुवीर सिंह, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है भगवत शरण उपाध्याय, और चौथा है प्रताप नारायण मिश्र। तो स्टूडेंट, जो सही उत्तर है वो है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर चौथा, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय युग के लेखक कौन है, आपको आपसे पूछा जाए इस तरह से चार ऑप्शन दिया जाए तो आपको बताना है प्रताप नारायण मिश्र, यानी जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वो भारतीय युग के लेखक हैं। अगला है कि साधना के रचनाकार कौन है, यानी रचनाकार का मतलब होता है कि रचयिता या फिर लेखक, यानी जो साधना ये जो रचना है इसके लेखक कौन है या फिर रचनाकार कौन है। हमें जो है चार ऑप्शन दिया गया, पहला है वृंदावन लाल वर्मा, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है राय कृष्ण दास, और चौथा है विनय मोहन शर्मा। तो स्टूडेंट, इसका सही उत्तर है वो है तीसरा, राय कृष्ण दास, यानी जो राय कृष्ण दास जी हैं इसके लेखक कौन है, वो साधना के लेखक है, यानी जो साधना जो रचना है इसके लेखक कौन है, वो है राय कृष्ण दास जी, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला है 35 नंबर पर प्रश्न, कहा जा रहा है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है, यानी जो जैनेन्द्र कुमार जी हैं इन चारों ऑप्शन में कौन सा रचना है जो जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। तो यहाँ पे हमें पहला है पृथ्वी पुत्र, दूसरा है पूर्वोदय, और तीसरा है कुली, और चौथा है पथ के साथी। तो स्टूडेंट्स का सही उत्तर वो है पूर्वोदय, ऑप्शन नंबर दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला कि अगर से आपसे पूछा जाए कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है तो आपको बताना है पूर्वोदय, या फिर इस तरह से उल्टा पूछ सकता है कि पूर्वोदय के लेखक कौन है तो आपको बताना है जैनेन्द्र कुमार। अगला 36 नंबर पर प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि रूपक रहस्य के लेखक कौन हैं, यानी जो रूपक रहस्य जो रचना है इसके लेखक कौन हैं। तो हमें चार ऑप्शन दिया गया है, पहला है श्याम सुंदर दास, तीसरा है वियोगी हरि, और तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो स्टूडेंट का सही उत्तर है वो है पहला, श्याम सुंदर दास, यानी जो रूपक रहस्य के लेखक कौन है वो हैं श्याम सुंदर दास जी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट 37 नंबर पे, कहा जा रहा है कि बद्री नारायण चौधरी द्वारा संपादित पत्रिका है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो बद्री नारायण चौधरी जी हैं इन चारों ऑप्शन में, यानी जो चारों पत्रिका यहाँ पे दिया गया है 1, 2, 3, 4, इसमें कौन सा ऐसी पत्रिका है जो बद्री नारायण चौधरी जी ने संपादित किया है। तो हमें पहला दिया है सरस्वती, दूसरा दिया गया आनंद कादम्बनी, तीसरा दिया गया है प्रथा,
और चौथा दिया गया है हिंदी प्रदीप। तो स्टूडेंट जो सही उत्तर है वो है आनंद कादम्बनी, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। आपसे अगर पूछा जाए कि आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका के संपादक कौन है, तो आपको बताना है बद्री नारायण चौधरी। यह प्रश्न आपसे उल्टा पूछा जा सकता है, देखिए जैसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि बद्री नारायण चौधरी द्वारा संपादित पत्रिका है तो आपको बताना आनंद कादम्बनी, या फिर इस तरह से पूछ ले कि आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका के संपादक कौन है तो आपको बताना है बद्री नारायण चौधरी। तो आप लोग उल्टा भी याद करिए सीधा भी याद करिए, मतलब आपको इतना जानना है कि जो ये आनंद कादम्बनी है इसके संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी जी हैं, इतना आपको जरूर याद करना है। अगला है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि 38 नंबर प्रश्न है कि अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है। रचनाकार का मतलब ये होता है कि लेखक, रचयिता। ये जो अंधेर नगरी रचना है इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिया गया है, पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है हरि कृष्ण प्रेमी और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो स्टूडेंट्स का सही उत्तर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, यानी अंधेर नगरी के लेखक कौन है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, 39 नंबर पे प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। ये जो हमें रचना दिया गया है इतना बड़ा कि ए शेखर एक जीवनी, इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। जयशंकर प्रसाद पहला ऑप्शन है, दूसरा है भीष्म साहनी, तीसरा है भगवती चरण वर्मा, चौथा है अज्ञे। तो स्टूडेंट का सही उत्तर है वो है अज्ञे, यानी अज्ञे जी ने जो है इसके लेखक, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है वो है अज्ञे, अज्ञे जी ने जो है शेखर एक जीवनी को लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, जरूर याद कर लीजिएगा शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है तो आपको बताना है अज्ञे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि 40 नंबर पे कि इनमें से कौन नाटक नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, प्रश्न नहीं समझ पाते हैं, इसको आप समझ जाइए। कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन नाटक नहीं है, यानी जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें यह बताना है कि कौन नाटक नहीं है, नहीं है। तो राजमुकुट, दूसरा है गरुड़ ध्वज, तीसरा है अपना अपना भाग्य, चौथा है आन का मान। तो इसमें जो स्टूडेंट सही उत्तर है वो है अपना अपना भाग, ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि नाटक नहीं है, यानी जो अपना अपना भाग है ये नाटक नहीं है। ये राजमुकुट ये भी नाटक है, गरुड़ ध्वज ये भी नाटक है, आन का मान ये भी नाटक है, लेकिन जो अपना अपना भाग ये जो रचना है ये नाटक नहीं है। तो यही प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन नाटक नहीं है, तो जो कौन है नहीं है वो है अपना अपना भाग, ये वाला ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट हमने जो है आप लोगों को 31 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्न का उत्तर हमने बता दिया। तो आप लोग जो है अच्छे से जो है चाहे किताब में निशान लगा लीजिएगा, चाहे आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।